हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास आईटल है, मॉडल है, इसमें एफआरपी लॉक है। तो यहाँ पे मैं मेथड बताने वाला हूँ, आप बहुत ही कम समय में एफआरपी बाईपास कर सकेंगे। उसके लिए आपको एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से आपको टूल्स मिल जाएगा। तो पहले फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देना है, उसके बाद सेम फॉर्म टूल ओपन करना है। एंड्रॉइड में जाके बाईपास एफआरपी भी क्लिक करना है और स्कैन पे क्लिक करना है। वापस हम स्कैन पे क्लिक करेंगे, बाईपास एफआरपी पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। या ऊपर तो तीन डॉट बटन है, वहां पे क्लिक करके हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। डिस्क्राइब योर इश्यू पे टिप करके आपको टाइप करना है डिलीट। डिसेबल एंड मैनेज पे क्लिक करना है। टैप गो टू एप्लीकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ऊपर जो तीन डॉट है वहां पे क्लिक करके शो सिस्टम पे क्लिक करना है। एंड्रॉइड सेटअप आपको ओपन कर लेना है और फोर स्टॉप पे क्लिक करना है। अब आपको सर्च करना है गूगल प्ले सर्विसेस। डिसेबल पे क्लिक करना है और साथ में फोर स्टॉप पे क्लिक कर देना है। बैक आ जाना है और यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो आपको बताने वाला हूँ। बैक यहाँ तक आपको रखना है, यहाँ से पीछे भी नहीं जाना, यहाँ से आगे भी नहीं जाना। उसके बाद फोन को कनेक्ट कर देना है। वापस टूल्स ओपन कर लेते हैं, स्कैन पे क्लिक करके एफआरपी बाईपास पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है। बैक पे क्लिक नहीं करना, तुरंत थोड़ा वेट करना है। उसके बाद एनेबल पे क्लिक करके वापस धीरे धीरे जो हमने सेटअप रखा था वहां तक आना है। हाँ, यहाँ से आपको सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आसान तरीके से आप एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।